देखो बेटा, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और जुड़ते रहेंगे बाद में। आज हमारे पास है ना, अभी दो टॉपिक हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन और टेंजेंट और नॉर्मल्स। अब स्कूल में कराऊंगा मैक्सिमा मिनिमा और शाम को मैं कराऊंगा इंटीग्रेशन, और कल सुबह भी मॉर्निंग सेशन में जो है इंटीग्रेशन को हम करेंगे, तो सारा हो जाएगा। लेकिन बारीकियों को हम बाद में फिर भी दोहराएंगे। तो अब जो ये चैप्टर है बेटा, ये है, अब तक हमने किया था डिफरेंशिएशन, कि जो अलग अलग फंक्शंस का वो डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ना है, ये जो चैप्टर है ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे हम सुन लेते हैं ना, अभी मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, इस मैथ का क्या फ़ायदा है, ये है वो है। तो यहाँ तक था डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, लॉगरिथमिक का कैसे किया, ट्रिग्नोमेट्रिकल का कैसे किया, इनवर्स का कैसे किया, ईएक्स का कैसे किया, एएक्स का कैसे किया। अब हमने पढ़ना है एप्लीकेशन, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैंने कल और परसों लास्ट एक्सरसाइजेज कराई थी डिफरेंशिएशन की, ये इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से चार नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और इसलिए मैंने उनका एक एक क्वेश्चन कराया है ताकि कोई भी ना रह जाए। अब मैं जो बता रहा हूँ ये है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसमें से एक चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें से छः नंबर का एक क्वेश्चन 101% आता है। छः नंबर का क्वेश्चन एक तो यहाँ से आता है, छः नंबर का एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से आता है, इक्वेशन वाले से, बताया था ना मैंने, जब एक तो इक्वेशन में से और एक मैक्सिमा मिनिमा का। उस मैक्सिमा मिनिमा को आज हम स्कूल में करेंगे, फिजिक्स का पेपर देने के बाद वहीं रुक जाना है, और इसको हम जो है डिटेल से करेंगे, और शाम के टाइम पे इंटीग्रेशन करेंगे। अभी जो आपके पेपर में आना है वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस और टेंजेंट और नॉर्मल्स, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसे है, डिफरेंशिएशन का इसमें कहाँ इस्तेमाल होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में, तो सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग फंक्शन की कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इंक्रीजिंग होता क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट बताए मेरे को। बताओ बेटा, दिव्या बताएगी, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है बेटा। दिव्या आवाज सुन रही है बेटा, मेरी आवाज आ रही सभी को, नहीं आ रही? सुनील आ रही है सर? हाँ शाबाश। अच्छा मनीष, मोनू और राहुल ये भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बेटा। रेगुलर रहोगे सीख जाओगे, अच्छा अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। अब इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार देख लो। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, मैं देसी हिसाब किताब में बताऊं, मोटे हिसाब में, जिसका चढ़ता ग्राफ हो, ऊपर की तरफ जाता हो, तो उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। लेकिन जो कंसेप्ट है वो क्या है, अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक x1 है और एक यहाँ पे x2 पॉइंट है, ये इधर हम लेते हैं बेटा fx, ये समझने के लिए है, और इधर हम क्या लेते हैं, x लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये तुम्हारी, ये क्या है f(x1) और ये वैल्यू क्या है आपकी f(x2)।
ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट x2 है, x2 बड़ा है पॉइंट किससे, x1 से। तो इंक्रीजिंग की कंसेप्ट क्या है, इफ़ x2 इज़ ग्रेटर देन x1, आल्सो fx2 इज़ ग्रेटर देन fx1, यानी कि पॉइंट भी बड़ा है, x2 पॉइंट x1 से बड़ा है, और इस पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी बड़ी है, दोनों में सेम साइन है, तो ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर इफ़ x2 इज़ ग्रेटर देन x1, और fx2 वो लेस हो जाए, यानी कि उल्टा साइन आ जाए, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ग्रेटर का साइन था, ये लेस का है, अगर अपोजिट साइन आते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग, उसका उतरता ग्राफ मिलेगा। डिक्रीजिंग की पहचान कैसे है, ऐसे यूं। तो यहाँ पे अब ये तो है कंसेप्ट, डिफ्रेंसिएशन क्या मदद करता है, डिफ्रेंसिएशन जो है वो ये बताता है किसी भी पॉइंट पे अगर हमने ये देखना है यहाँ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो क्या कहता है, वहाँ पे एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, ये तुम निकालना सीख चुके हो पहले, एक भी डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाएगा। और वो जो भी पॉइंट है, सपोज एक्स वन वाई वन है वो, तो x की जगह x1 और y की जगह y1 रख दो, अगर वो पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, अगर वो नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। फिर बता देता हूँ मैं, जो हमने करना क्या है, हमने करना है fx ले लेना है फर्स्ट स्टेप, सेकंड में क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, थर्ड में क्या करना है, वो पॉइंट देगा, पॉइंट देगा या इंटरवल देगा, वो कहेगा इस पॉइंट पे फंक्शन कैसा है या इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पॉइंट पे तो पॉइंट को रख दो, इंटरवल है तो इस इंटरवल में से उठा के एक पॉइंट रख लो, रखना पॉइंट ही है, उस पॉइंट को रख के एफ डैश एक्स वन कह लें हम, तो फिर हम फोर्थ कंक्लूजन निकालते हैं, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, बस इसमें यही है। और प्रूव दैट शो, यहाँ दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो इंटरवल निकालो जहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या प्रूव दैट शो दैट, दो ही टाइप के, या तो चेक करना होगा, चेक या प्रूव दैट एक ही बात है, सीधा एफ डैश एक्स निकालो और पॉइंट को रख दो, उसके अंदर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग, बस दैट्स ऑल। दूसरा इंटरवल फाइंडिंग, इंटरवल निकालने हो तो क्या करते हैं, हम एफ एक्स लिया, एफ डैश एक्स निकाला, इसको जीरो करते हैं, फिर जीरो वो बताता है जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में बदलता हो या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में, क्योंकि साइन एक्स का तुमने फिजिक्स वाले जो पढ़ते हैं वो देखा हो ना ग्राफ कैसा होता है, यहाँ तक तो इंक्रीजिंग है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग है, यहाँ तक फिर इंक्रीजिंग है, फिर जब एक इंटरवल में एक बार इंक्रीज हो ले एक बार डिक्रीज हो ले तो ओवरऑल क्या माना जाता है, वो ना इधर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, और इस यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग है उसके बाद डिक्रीजिंग है। यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ टेंजेंट जो है वो क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है इन टर्निंग पॉइंट्स पे, तो जीरो इक्वेट करते ही, जब हम एफ डैश एक्स को जीरो इक्वेट करते हैं तो जीरो इक्वेट करते ही वो पॉइंट आ जाते हैं जहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हुआ है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ है। ये बातें समझने के लिए हैं, काम कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। काम ऐसे करना है, अगर पॉइंट देता है तो एफ डैश एक्स में रख दो,
अगर इंटरवल निकालना है तो जीरो इक्वेट करके एक्स को सोल्व कर लो, जैसे हम पहले करते आए थे क्वाड्रेटिक को, क्यूबिक को, इनको, और सोल्व करके इंटरवल बना लो। सोल्व करने के बाद मान लेते हैं एक तो सॉल्यूशन आ गया जीरो, एक आ गया माइनस वन, एक आ गया दो, तो पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लो, माइनस वन, जीरो और दो, हो गया बढ़ता क्रम। अब माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन पहला इंटरवल हो जाएगा, माइनस वन से जीरो दूसरा हो जाएगा, जीरो से दो जो है वो तीसरा हो जाएगा, और दो से इन्फिनिटी, यानी कि पूरी जो रियल लाइन है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। फिर एफ डैश एक्स में इनका एक एक पॉइंट हम रखते चले जाते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग, बस इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। अब जो मैंने बातें बताई हैं वो यूं की यूं इम्प्लीमेंट होंगी, इनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब जैसे कहता है पहला क्वेश्चन है बेटा कि शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 है, ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा ये, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा। तो एफ डैश एक्स निकालो, कितना आएगा 3। अब x में कुछ भी रख लें हम, कितना रहना है इसको, 3 रहना है, तो ऑलवेज क्या रहेगा ये पॉजिटिव, क्योंकि 3 क्या होता है पॉजिटिव, तो ये फंक्शन क्या है ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x है, तो एफ डैश एक्स क्या होता है, मनीष बताएगा भाई एफ डैश एक्स क्या होता है, मनीष दीवान सिंह का, आवाज आ रही है भाई मनीष, मोनू, राहुल, अरे कहाँ गए, अरे मोनू आवाज नहीं आ रही, आ रही है सर। हाँ फिर बोल यार, e2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, e2x यूं का यूं और इनटू में 2। अब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव देखना, देखो दो तो हमेशा पॉजिटिव है, e की पावर कुछ भी हो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल क्या रहेगा पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या रहेगा हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। तो यहाँ दो ही टाइप के क्वेश्चन हैं, एक तो शो दिखाना करना है वो इंक्रीजिंग है नहीं है, दूसरा इंटरवल फाइंडिंग का है, ओनली टू टाइप्स जो है मिलेंगे। तो तीसरा जो क्वेश्चन है ये कहता है शो दैट द फंक्शन साइन एक्स ये इंक्रीजिंग है, किस में है, जीरो से पाई बाई टू, यानी कि जीरो से 90 डिग्री में ये इंक्रीजिंग है। तो क्या करेंगे हम, एफ डैश एक्स निकालेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और अब इस इंटरवल में से एक वैल्यू ले लो कोई भी, जीरो से 90 है तो 30 ले लो, 60 ले लो, हैं 45 ले लो, कोई भी, तो क्या लोगे बताओ, सिक्सटी ले लिया, तो सिक्सटी ऐसे नहीं लिखना तुमने, अब थारा स्टैंडर्ड बढ़ गया, प्लस टू में हो गए हो, तो रेडियन वाला एंगल यूज़ करना है, सिक्सटी का होता है पाई बाई थ्री, कॉस ऑफ पाई बाई थ्री, कॉस सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। और फिर कहता है डिक्रीजिंग दिखाना है हमने कहाँ पे,
पाई बाय टू से पाई, पाई बाय टू क्या होता है बेटा 90 डिग्री, और पाई कितना होता है 180 डिग्री। तो अब एफ डैश एक्स में हम एक वैल्यू किसके बीच की रखेंगे, 90 और 180 की, तो 120 है जैसे, उसको रख लिया, 120 की रेडियन बना लो, पाई अपॉन 180 कितना हो जाएगा 2π/3। तो यहाँ पे एफ डैश 2π/3 क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2π/3, और ये होगा कॉस 120। तो कॉस 120 को कैसे निकालते हैं, कॉस 180 माइनस 60, तो ये आ जाएगा कॉस 60, और कॉस 60 और क्वाड्रेंट सेकंड है तो कॉस क्या रहेगा नेगेटिव, तो -1/2, तो ये कैसा आया, नेगेटिव आया। तो एफ एक्स क्या है इसमें, डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो इश्यू यही है, एफ एक्स ले लो, एफ डैस एक्स निकाल लो, और एक वैल्यू जो है वो रख के देख लो इंटरवल की। तो और अब कहता है 0 से π के बीच में, तो एक बार इंक्रीजिंग हो लिया, एक बार डिक्रीजिंग हो लिया, तो हम रिजल्ट क्या देंगे, नाइदर इंक्रीजिंग ओवरऑल नोर डिक्रीजिंग। जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ओवरऑल हम जब एटम को बोलते हैं कि वो चार्ज्ड है नहीं है, कैसा चार्ज है, तो ओवरऑल न्यूट्रल मानते हैं उसको। ऐसा ही यहाँ एक बार इंक्रीजिंग हो गया, एक बार डिक्रीजिंग हो गया, तो फिर जो रिजल्ट क्या लिखा जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। अब फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स है हमारे पास 2x² - 3x, और ये कहता है वो इंटरवल बताओ, इंटरवल फाइंडिंग का आ गया। अब इंटरवल बताने हैं, मैंने बताया था दो ही टाइप के क्वेश्चन हैं, इंटरवल निकाल लो या शो दैट प्रूव दैट। तो ये इस टाइप का है, इसमें इंटरवल निकालने हैं जहाँ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालो, कितना आएगा 4x - 3। फिर क्या करेंगे, इसको जीरो इक्वेट करेंगे, 4x - 3 = 0, तो 4x कितना हो जाएगा 3, और x कितना आ जाएगा 3/4, एक पॉइंट आ गया। अब पूरी जो रियल लाइन है जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, उसके बीच में जो ये यहाँ पॉइंट आते हैं इनको रखते हैं, एक का पॉइंट आया है, क्या आया है वो 3/4। तो दो इंटरवल बनेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और 3/4 से इन्फिनिटी। एफ डैश एक्स क्या है तुम्हारा, 4x - 3। अब 3/4 से और माइनस इन्फिनिटी के बीच में एक पॉइंट रखो, तो पॉइंट कौन सा है, वो 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, क्योंकि 3/4 जो है 0 और 1 के बीच में है, तो इनमें कोई भी एक पॉइंट हम रख सकते हैं। तो हमने जैसे एफ डैश 0 रख लिया, जब नेगेटिव से पॉजिटिव हों हम इंटरवल में, तो 0 सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। एफ डैश 0 कितना हो जाएगा, 4 × 0 - 3, -3 आ गया, कैसा आया नेगेटिव। तो कैसा फंक्शन होगा ये, यहाँ पे डिक्रीजिंग। अब एक वैल्यू रखनी है हमने 3/4 और इन्फिनिटी के बीच की, तो 3/4 से आगे क्या है, 1 है 2 है 3 है, ये सारे पॉइंट हैं, तो एफ डैश 1 रख लिया, तो क्या हो जाएगा बेटा 4 - 3 कितना हो गया 1, ये कैसा है पॉजिटिव, तो यहाँ फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग। तो इंटरवल वाले में क्या करना है, एफ एक्स लेना है, एफ डैश एक्स निकालना है, उसको 0 इक्वेट करना है, एक्स के लिए सोल्व कर लेना है, सोल्व करने के बाद जो पॉइंट आए उनको माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में रख लेना है, वो इंटरवल बन जाएंगे। अब ऐसा जो है पांचवा क्वेश्चन है, जिससे ये क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट।
इंटरवल निकालो किसके, एफ एक्स टू एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वेयर। ये कहता है वो इंटरवल बताओ जहाँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो ये इंटरवल फाइंडिंग आउट का है। यहाँ दो ही तरह के क्वेश्चन है, मैंने शुरू में ही बता दिया था, इंटरवल और शो दैट प्रूव दैट। शो दैट प्रूव दैट तो बहुत आसान होता है, एफ डैश एक्स निकाला और एक पॉइंट रख के दिखा दिया, बात खत्म। इंटरवल वाले के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले। तो क्या होगा एफ डैश एक्स, यहाँ पे तीन दूनी छः एक्स स्क्वेयर, तीन दूनी छः एक्स और माइनस का 36। फिर मैंने कहा था आगे एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, जीरो, सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे छः कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स। तो हमारे पास जो एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक आ गई, फैक्टर बना लेंगे इसके एक्स माइनस थ्री और क्या आएगा एक्स प्लस टू, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना। एक्स एक तो तीन आ गया, एक एक्स कितना आ गया माइनस दो। तो मैंने बताया था फिर इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो माइनस दो छोटा है तीन बड़ा है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी लिख लेना है। अब कितने इंटरवल बनेंगे, एक तो बनेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस दो, एक बनेगा माइनस दो से तीन नेक्स्ट पॉइंट, और एक बनेगा तीन से इन्फिनिटी। अगर दो पॉइंट आते हैं तो हमारे पास तीन इंटरवल बनेंगे। एक पॉइंट आया था, इंटरवल कितने बने थे तुम्हारे पास, दो बने थे। अब माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, और एफ डैश एक्स आपका है सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस 36। एक वैल्यू रखेंगे माइनस इन्फिनिटी और माइनस टू के बीच की, और वो क्या है, रियल लाइन पे, ये रियल लाइन है, ये माइनस वन है, ये माइनस टू है, ये माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस टू से पहले क्या पॉइंट है, बताओ बेटा। सर माइनस थ्री। माइनस थ्री, तो माइनस थ्री रख लो इसमें, वेरी गुड। तो सिक्स इंटू माइनस थ्री का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, नाइन। माइनस सिक्स इंटू माइनस थ्री क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गई माइनस 36। तो नौ सिक्स चौवन जमा में 18 माइनस 36 कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो इसमें कैसा है, इंक्रीजिंग है। माइनस दो और तीन, इसके बीच में पॉइंट क्या आएगा, जब नेगेटिव से पॉजिटिव होता है जीरो बेस्ट ऑप्शन होता है, जीरो तो आएगा ही आएगा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे तो बीच में जीरो जरूर आया होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएंगे तो बीच में जीरो जरूर आया होगा। तो जीरो रख लो, क्या हो जाएगा, जीरो इसमें माइनस जीरो माइनस 36 कितना आया, नेगेटिव। हमने देखना है पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, नेगेटिव आते ही क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग। थ्री टू फोर, थ्री टू इन्फिनिटी सॉरी। तो एक पॉइंट कोई भी बताएं जो तीन और इन्फिनिटी के बीच में हो। फोर। फोर इसमें रख दो, किसमें रखना है, सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस 36। तो छः गुणा में चार का कितना हो जाएगा स्क्वेयर, 16, छः गुणा में चार और माइनस 36। तो अगेन वी हैव पॉजिटिव, तो यहाँ कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग, ये इन इन इंटरवल्स में ये था। तो ये क्वेश्चंस जो है सिक्स्थ के सभी पार्ट एक जैसे हैं, मैं लास्ट वाला करा देता हूँ, ई पार्ट। एफ एक्स है एक्स प्लस वन की पावर थ्री
और एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री। और भाई हमने क्या बताना है, इंटरवल निकालने बेटा। तो इंटरवल कैसे निकलेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या जाएगा इसको यू इंटू वी से करेंगे, ध्यान रखना। तो एक्स प्लस वन की पावर तीन एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, और इसका क्या होगा थ्री इंटू, तो इसमें से कॉमन ले लो सर, एक्स माइनस थ्री का क्यूब आएगा प्लस के बाद क्या बेटा, ये सर प्लस साइन के बाद ये यही ना जी सर। देखो एक्स प्लस वन का स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर ये बाहर ले लिया, अब क्या बच गया यहाँ पे, एक्स एक्स प्लस वन बच गया, यहाँ पे क्या बच गया एक्स माइनस थ्री बच गया। टू एक्स माइनस टू, दो भी बाहर आ जाएगा तो छः और यहाँ x माइनस वन हो गया, ठीक है बेटा। तो अब इंटरवल के लिए क्या करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो कहाँ पे होगा, एक तो x माइनस वन पे होगा, एक x थ्री पे होगा, और एक कहाँ पे होगा x इज इक्वल टू वन पे होगा। तो उसी तरह से इंटरवल्स क्या बनेंगे, माइनस, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है इनका, माइनस वन वन थ्री, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, माइनस वन से वन, वन से थ्री, और थ्री से इन्फिनिटी। इन में एक एक वैल्यू जो है इसके अंदर रख के देखनी है, पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में तो इतना ही है बेटा, करना क्या है मैं फिर बता देता हूँ, एफ एक्स लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, पॉइंट पे पॉजिटिव आता है एफ डैश एक्स तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। अब मैं बता रहा हूँ टेंजेंट और नॉर्मल्स के बारे में, टेंजेंट और नॉर्मल होते क्या हैं पहले ये बताओ मेरे को, तुम में से कोई भी बताओ बेटा, टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, सुनील थारा चैप्टर हो लिया बेटा, यो दिव्या भी है, खुशी है, खुशी बताएगी, टेंजेंट क्या होती है बेटा, एकता तू बता बेटा, नहीं पता कोई नहीं बेटा मैं बता देता हूँ अभी, जैसे कोई भी कर्व है टेंजेंट क्या होती है, इस पॉइंट पे जो छू के निकल जाए इसे, ये टेंजेंट होती है, स्पर्श रेखा हिंदी में इसका नाम है, स्पर्श रेखा नाम से ही क्लियर है, छूने वाली, ठीक है ना। अब इसका कॉन्सेप्ट आया कैसे, एक लाइन है जो बाहर से दो पॉइंटों पर काटती है, दसवीं में आया था ये क्वेश्चन, इसको सीकेंट बोलते हैं ना, सीकेंट जो है जो एक लाइन सर्कल को दो पॉइंटों पर काटती है। अब इसे सीकेंट को मैं और थोड़ा सा नीचे कर लूँ, दोनों पॉइंट और क्लोज आ गए, तो ये एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये दोनों पॉइंट एक हो जाएंगे, तो उस टाइम पर ये क्या बन जाएगी, इसकी टेंजेंट बन जाएगी, सीकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में। तो एक एक ही कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट का और उस कर्व का, उस फंक्शन का और उस लाइन का, जब एक कॉमन पॉइंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट्स ए टेंजेंट, वो टेंजेंट होगी,
और नॉर्मल क्या होता है, जो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो उसी पॉइंट पे, ये तो आपकी टेंजेंट है और ये क्या है नॉर्मल, ये टेंजेंट है और ये क्या है आपका नॉर्मल, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ए टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। होगी क्लियर बात? अब टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट इज ए लाइन विच हैव ए कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट वन ओनली भी देख करो, कोई भी कर्व है, ये सर्कल है, सर्कल की तो सुनी थी तुमने, ये स्पर्श रेखाएं टेंजेंट जो है। अब ये एक ही है, दिखता तो बड़ा ही है ये, जैसे इस एरिया में, लेकिन एक ही पॉइंट कॉमन होता है इनका और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस पॉइंट को तो क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये है टेंजेंट और ये कर्व है। कर्व सर्कल भी हो सकता है, कोई ग्राफ भी हो सकता है, कोई इलिप्स भी हो सकती है, कोई पैराबोला भी हो सकता है। टेंजेंट समझ में आ गई क्या बात है अब? जी सर क्लियर है। हाँ, और नॉर्मल क्या हो जाएगी, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। बस नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, अब डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, है ना। डिफरेंशिएशन क्या मदद करता है, टेंजेंट को निकाल दें, नॉर्मल को निकाल दें। अब टेंजेंट और नॉर्मल लाइन ही तो है बेटा, दोनों क्या है लाइन है, और स्ट्रेट लाइन बोलते हैं हम इनको, क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखाएं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का एक वो होता है इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या बोलते हैं, और ये तुमने देखी भी होगी, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसी ये ऐसी इक्वेशन देखी है, नहीं देखी है तो मैं बताऊँ इसके बारे में। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये होती है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन की कई फॉर्म होती हैं, इसको बोलते हैं वन पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये समझा रहा हूँ पेपर, पेपर में ऐसा ना, पेपर में तो ढाई बात से जो मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बताई है ना, वैसे ही जो है गिनती की बातें हैं, लेकिन ये समझना इसको बहुत ज़रूरी है। अब इसके बारे में सुना है या नहीं सुना है वो बताओ। सर सुना तो है लेकिन आप एक बार रिवाइज करा दो। रिवाइज कराना पड़ेगा। ये जैसे बेटा ऐसा है, ये लाइन है, ये एक्स वन वाई वन से गुजरती है, पास होती है, और एम इसका स्लोप है। स्लोप क्या होता है किसी भी लाइन का, स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल विच ए लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दुनिया में कोई भी लाइन है उसका ये देख लो, एक्स एक्सिस के साथ उसने एंगल कितना बनाया, थीटा बनाया, तो उसका टेन ले लो तो वो क्या हो जाता है, उसका स्लोप होता है। अब मैं आता हूँ अपने कॉन्सेप्ट पे। स्लोप तुमने देख लिया टेंजेंट होता है,
और टेंजेंट अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो क्या टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, टेंजेंट की तो यही होती है ना, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे में आधार। ये तो बात पता होगी ना, यस यही होता है ना। अब हमारे पास हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्स इधर है, वाई इधर है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इधर होता है, एफ एक्स कह लें चाहे वाई कह लें, एक का बात है। तो ये तो है तुम्हारा चेंज इन वाई, और ये क्या है चेंज इन एक्स। तो ये कि इसका मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, जो टेन थीटा हो गया वो किसके बराबर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन किसी भी फंक्शन का हम करेंगे तो वो क्या बताता है, स्लोप ऑफ ये कर्व थी मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसका टेंजेंट का स्लोप बताएगा वो, स्लोप आ गया, और पॉइंट भी देगा वो, पॉइंट देगा और हमने स्लोप निकाल लिया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो अब कम टू द क्वेश्चंस जो हमने करने हैं बेटा, उनकी तरफ आए। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, एट ए पॉइंट एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन मैंने क्यों लिख रहा हूँ, एक्स वाई क्यों नहीं लिखता, एक्स वाई तो एनी पॉइंट हो जाता है, एक्स वन वाई वन को पर्टिकुलर पॉइंट हो जाता है, इज वाई माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट की वो पॉइंट देगा आपको, कर्व देगा, एफ एक्स देगा, वहाँ से डिफरेंशिएशन निकाल लो इस पॉइंट पे, ये स्लोप आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे, एट एक्स वन वाई वन, वाई माइनस वाई वन और इन टू में एक्स माइनस एक्स वन, ये कर देंगे, ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, वाई माइनस वाई वन वन अपॉन माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो टेंजेंट होती है तो नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होती है, और जो जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, माइनस वन होती है। तो इसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स है, तो अगले का क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो ये दो बातें हमने जो है यूज़ करनी है, और इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। हम क्वेश्चंस पे आते हैं, एक 10 मिनट की बात है बेटा, फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। यहाँ दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो स्लोप पूछेगा या इक्वेशन पूछेगा। यहाँ कहता है पहले फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, वाई इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, 3x4 माइनस 4x है, और एट कहता है पॉइंट देगा वो, पॉइंट नहीं देगा तो होए ना क्वेश्चन आगे। अब हमने इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकालना किस पॉइंट के ऊपर, ये मान लेते हैं कोई कर्व है, ये पॉइंट है जहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या है 4 है, हमने टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो भाई। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का यूज़ तो होगा कितने कितने, डिफरेंशिएशन कर दोगे जब भी आधे नंबर आए गायब हो जाओगे, 12x³ माइनस 4, ये तो हो गया एट एनी पॉइंट। हमने कहाँ निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 4, तो इसमें 4 रख दो, तो 12 × 64 माइनस 4, तो 12 × 48, 12 × 72 और 7 × 19, सॉरी 79।
तो 794 आ गया। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1 अपॉन जो टेंजेंट का आया था 794। बस ये है स्लोप निकालने। इक्वेशन आएगी, जब इक्वेशन निकालेंगे दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो स्लोप पूछेगा या इक्वेशन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है किसका, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का, कहाँ पे? 10 पे। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, और जहाँ x आएगा वहाँ पे क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, कौन बताएगा? मोनू बता सर, कोशेंट फार्मूला। हैं, कोशेंट फार्मूला, वेरी गुड। एक्स माइनस टू का स्क्वेयर, एक्स माइनस टू एज इट इज, एक्स माइनस वन का कितना होगा 1, माइनस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू का क्या होगा 1। सोल्व कर लो, एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू का स्क्वेयर, एक्स से एक्स कट गया, माइनस वन अपॉन। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स को क्या रखना है तुमने 10, तो माइनस वन अपॉन 10 माइनस दो का स्क्वेयर, तो माइनस वन अपॉन 8 स्क्वेयर, माइनस वन अपॉन 64। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ये मैं एडिशनल करा रहा हूँ नॉर्मल का। स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस वन बाई 64 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बेटा, इसका उल्टा और माइनस का निशान हो जाएगा, तो 64 आ जाएगा। इसके और इसके स्लोप की मल्टीप्लिकेशन माइनस वन आनी चाहिए, जब ये देख लो, समझ आ गई होगी बात। थर्ड कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, जहाँ पे x कितना हो, x कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3x² माइनस वन, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट, यहाँ छोटा मैं अगर ये ऑब्लिक लगाता हूँ तो इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 रख दो, 3 × 2 का स्क्वेयर माइनस 1, 3 × 4 माइनस 1, 12 माइनस 1 कितना आ जाएगा 11। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बताओ बेटा, कोई भी बताए, अब तो 2-3 क्वेश्चन हो गए सर। माइनस वन बाई 11 बेटा, जो ये आया था 2 नहीं, ये तो पॉइंट था जहाँ जी सर, माइनस वन बाई 11। फोर्थ स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना अगेन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x + 2 है, कहाँ पे बताना है, जहाँ x कोऑर्डिनेट इसका 3 हो, तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स 3x² माइनस 3 आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 3, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है उसमें क्या रख देंगे 3 रख देंगे, कितना आएगा 3 × 3² माइनस 3, 27 माइनस 3 कितना आ गया 24। यह है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1/24। और लास्ट क्वेश्चन है ये जो मैं अभी करा रहा हूँ आज का, पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसलिए उनको सभी को कराना जरूरी था। एक्स इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा, और वाई है बेटा ए साइन क्यूब थीटा, और थीटा जहाँ पाई बाई 4 हो, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री हो, वहाँ पे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पहले हमने dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, फिर dy बाई
तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, 3 cos³θ माइनस साइन थीटा, ऐसे डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 3a sin²θ, सॉरी ये स्क्वेयर हो जाएगा, कम हो जाएगी ना एक पावर, और साइन का क्या हो जाएगा कोस, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा वो डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई 3a sin²θ cos θ, 3a cos²θ माइनस साइन थीटा, 3a भी कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, एक कोस कट जाएगा, कुल मिला के माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया बेटा माइनस टेन थीटा। थीटा क्या रखना है, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर होता है 45 डिग्री, तो डी बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, माइनस टेन 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा माइनस वन, क्योंकि टेन 45 कितना होता है वन। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा बेटा, ओनली वन, ठीक है ना बेटा। तो ये कंसेप्ट है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, एक दो क्वेश्चन मैं स्कूल में कराऊंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, ये तो स्लोप निकालना था, यहाँ स्लोप निकालना आएगा या टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी आएगी, तो फिर हम मैक्सिमा मिनिमा करेंगे और शाम को इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, ठीक है बेटा, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।